हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब डायूरेटिक्स के अंदर हमने जो फर्स्ट क्लास थी, जो वीक डायूरेटिक, जो हमारे पास वीकर डायूरेटिक्स है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब वीक डायूरेटिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आती है, दैट इज मॉडरेटली एक्टिंग डायूरेटिक्स और मॉडरेटली इफेक्टिव जो डायूरेटिक्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास दो आगे सब क्लासेस थी। कौन सी सब क्लासेस थी हमारे पास? एक तो था थायासाइड लाइक डायूरेटिक्स और दूसरा था हमारे पास बेंजोथायासाइड, राइट? अब ये जो बेंजोथायासाइड और थायासाइड डायरिवेटिव्स होते हैं, ये दोनों हमारे पास, इनके अंदर मॉडरेट इफेक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी होती है और इनको हम लो सीलिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं। अब ये जो लो सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, इनका हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है? ये जो ड्रग्स है, ये हमारे पास बाइंड कर जाती है जो हमारे पास डिस्टल रीनल टिब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नेफ्रॉन का डायग्राम देखा था। नेफ्रॉन में क्या था हमारे पास? हमारे पास ग्लोमेरुलस था, उसके बाद हमारे पास कॉन्क्लेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्क्लेटेड टिब्यूल था, फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनले था, फिर उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आती है, राइट? तो हमारे पास क्या क्या होता है अगर इसकी फिजियोलॉजी एक बार ही देखें तो, हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होता है जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लूप ऑफ हेनले होता है। थर्ड आता है हमारे पास डीसीटी, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है और ये होता है हमारे पास फ्लो मैरिज, राइट? तो अभी हमारे पास जो ये थायासाइड डायूरेटिक्स होते हैं, थायासाइड्स क्या करते हैं या बेंजोथायासाइड्स जो होते हैं, ये हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पे जाके बाइंड हो जाते हैं। और जब हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पे थायासाइड्स जाके बाइंड हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं हमारे पास? दे डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन। हमारे पास जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, जिससे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है यूरिन की, वो हमारे पास डिक्रीज हो रही थी और हमारे पास जो वॉल्यूम है यूरिन का, वो डिक्रीज हो रहा था। तो विद द हेल्प ऑफ थायासाइड्स हमारे पास क्या हो जाता है? थायासाइड्स क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी तो हमारे पास यूरिन जो है, जो यूरिन का वॉल्यूम है, वो हमारे पास डिक्रीज नहीं होगा और उसकी वजह से हमारे पास जो यूरिन का रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और हेंस हमारे पास यूरिन का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा थायासाइड्स जो होते हैं, थायासाइड्स हमारे पास पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवा देते हैं और इसी वजह से हमारे पास जब सोडियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जो थायासाइड या थायासाइड लाइक डायरेटिक्स हैं, ये हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी देते हैं। और इसीलिए हमने एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग्स पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा भी था कि डायरेटिक्स भी यूज करते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनका ब्लड वेसल्स के ऊपर और उस वजह से भी हमारे पास हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। अब थायसाइड्स जो होते हैं, अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए थायसाइड्स यूज करेंगे तो ये हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया हमारे पास कॉज करवा देंगे। और थायसाइड्स के अलावा हमारे पास यूरिक एसिड का अमाउंट, यूरिक एसिड का जो हमारे पास एक्सक्रीशन है और कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है उसको भी डिक्रीज करवा देते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम की, अगर हमारे पास कैल्शियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत बड़ी ऐसा होता है कि थायसाइड के प्रोलॉन्ग यूज से हमारे पास स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा यूरिक एसिड एक्युमुलेट हो जाएगा तो हमारे पास जॉइंट पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो ये थायसाइड डायूरेटिक्स होते हैं, थायसाइड डायूरेटिक्स हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और उसके अलावा हेडेक, फटीग, हाइपरग्लाइसीमिया जैसे कंडीशंस हमारे पास कॉज करते हैं। अब जो थायसाइड और थायसाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं, इनका जो मेजर हमारे पास डिफरेंस आता है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव इफेक्ट आता है, इनकी ADME में डिफरेंस होता है जो बेंजोथायसाइड्स हैं और जो थायसाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है। ये तो था बेंजोथायसाइड्स भी और थायसाइड्स भी क्या करते हैं हमारे पास, ये जाके डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के ऊपर बाइंड कर जाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन जो है
उसको हमारे पास प्रिवेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी पोटेंट डायुरेटिक्स, और वेरी पोटेंट डायुरेटिक्स के अंदर हमारे पास लूप डायुरेटिक्स आते थे। लूप डायुरेटिक्स के अंदर हमारे पास फिरोसिमाइड जैसी ड्रग्स आती हैं। अब लूप डायुरेटिक्स हमारे पास क्या करते हैं, लूप डायुरेटिक्स को हम हाई सीलिंग डायुरेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो डायुरेटिक्स हैं वो हमारे पास लूप डायुरेटिक्स होते हैं। लूप डायुरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड पोटाशियम आयन सबकी रीअब्सॉर्प्शन को हमारे पास डिक्रीज करवा देते हैं। लेकिन अब जैसे लूप डायुरेटिक्स नाम के अंदर आता है, तो लूप डायुरेटिक्स हमारे पास काम कहाँ पे करते हैं, जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एरिया है, सबसे मैक्सिमम जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है। और इसी वजह से हमारे पास जो फिरोसिमाइड है वो क्या करती है, इस लूप ऑफ हेनले के ऊपर जाके अटैच हो जाती है, और हमारे पास जो रीअब्सॉर्प्शन होती है सोडियम आयन्स की, क्लोराइड आयन्स की, पोटाशियम आयन्स की, उन सब की हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देती है, और हेंस उनका जो लॉस है उसको इंक्रीज करवा देती है। और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है लूप डायुरेटिक्स का, वो हमारे पास एट वंस आता है या प्रॉम्प्ट एक्शन आता है। और उसके अलावा हमारे पास जो लूप डायुरेटिक्स है ये हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन है उसको भी इनहिबिट करते हैं, और इसी वजह से हमारे पास एडेमा, फॉल ऑफ बीपी, डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस जैसे हमारे पास कंडीशंस कॉज होती है विद द हेल्प ऑफ जब हम लूप ऑफ हेनले को यूज करते हैं। सो अब इसके अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं, सबसे पहले हमारे पास एजेंट आता है इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड हमारे पास सबसे पोटेंट डायुरेटिक है, और हमारे पास ओरली और आईवी दोनों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास इथाक्राइनिक एसिड हमारे पास पोटेंट होता है। जब हम ओरली देते हैं इथाक्राइनिक एसिड तो विद इन 2 to 3 hours हमारे पास एक्शन स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम डायुरेसिस कॉज करता है, और उस वजह से हमारे पास बट सोडियम और जो क्लोराइड का लॉस होता है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और उसके अलावा हमारे पास यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देता है, उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम का लॉस इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह, और उसके अलावा हमारे पास जो इथाक्राइनिक एसिड है वो हाइपर ग्लाइसीमिया कॉज करता है। और हमारे पास इथाक्राइनिक एसिड जो है वो लूप ऑफ हेनले के ऊपर तो वर्क करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास पोटेंट इफेक्ट इसका आता है। देखा गया है कि इथाक्राइनिक एसिड जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पे भी बाइंड करता है। अब कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस या डिसबैलेंस कॉज करता है, और उसके अलावा हाइपोटेंशन कॉज करता है, डेफनेस कॉज कर सकता है इथाक्राइनिक एसिड, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करने की वजह से, उसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लूप डायुरेटिक्स के अंदर फिरोसिमाइड ड्रग। अब फिरोसिमाइड जो होता है ये पोटेंट डायुरेटिक होता है, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है दैट इज रैपिड, और उसके अलावा हमारे पास इसको ऑरली भी यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी यूज करते हैं, और इंट्रावेनस रूट से भी यूज कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट और पावरफुली रैपिड एक्टिंग जो ड्रग्स आती है उसके अंदर आता है फिरोसिमाइड, और लेकिन हमारे पास ये भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, हाइपोटेंशन और एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास मेथ्रोसाइड ड्रग है वो हमारे पास फिरोसिमाइड में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉमजेनर होता है फिरोसिमाइड का। उसके अलावा ब्यूमेटानाइड यूज होती है, और ब्यूमेटानाइड हमारे पास ज़्यादा पोटेंट होती है, लेकिन और हमारे पास इसका रैपिड एक्शन आता है, और जो लंग्स के अंदर एडेमा हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ब्यूमेटानाइड यूज करते हैं। अब उस लूप डायरेटिक्स के अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं, पहले यूज़ करते थे ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स, लेकिन ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स आजकल यूज़ नहीं होते क्योंकि हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, कार्डिक टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट्स आते हैं दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स या पोटेशियम रिटेनिंग डायुरेटिक्स। अब इनके नाम से ही क्लियर है हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग या पोटेशियम रिटेनिंग मतलब, अब हमने पढ़ा जो जितने भी डायुरेटिक्स हमने पढ़े, हमने पढ़ा कि ये जो सारे सोडियम का भी लॉस करवा रहे हैं, क्लोराइड का भी लॉस करवा रहे हैं,
भी लॉस करवा रहे हैं, राइट। जब हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम डायबिटिक्स जो है वो हमारे पास पोटेशियम का लॉस करवा देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है बॉडी के अंदर। तो हमारे पास पोटेशियम का लॉस ना हो इसलिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स जनरली बाकी जितने भी डायबिटिक्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। और पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स क्या करते हैं हमारे पास, जैसे स्पायरोनोलेक्टोन है, स्पायरोनोलेक्टोन हमारे पास एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है। अब जो एल्डोस्टेरोन होता है ये हमारे पास जो रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करवा, हमारे पास डिक्रीज करवाता है, उसका पार्ट है। और जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन जब हमारे पास इनहिबिट हो जाता है तब हमारे पास एल्डोस्टेरोन इनहिबिट होने की वजह से हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो स्पायरोनोलेक्टोन है, स्पायरोनोलेक्टोन हमारे पास जो अमाउंट है, जो यूरिन जो हमारे पास जो पोटेशियम का अमाउंट है जो वो हमारे पास इंक्रीज हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है उसको स्टॉप करवाता है, हमारे पास पोटेशियम को रिपेयर हमारे पास रिटेन करके रखता है। और उसके अलावा हमारे लेकिन इसका जो डायुरेटिक इफेक्ट होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स का वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास यूज नहीं किए जाते। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रायमटेरिन। अब ट्रायमटेरिन जो होता है वो भी हमारे पास डायुरेटिक है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन को डिप्रेस कर देता है। और जो पीक इफेक्ट है वो 2 आवर्स के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके अलावा एमिलोराइड भी हमारे पास यूज होता है, ये भी वीक डायुरेटिक है लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर दिए जाते हैं। अब जो डायुरेटिक थेरेपी है हमारे पास, डायुरेटिक थेरेपी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज पोटेशियम की डिप्लीशन। जो ये हाई सीलिंग डायुरेटिक्स हैं और जो थायसाइड डायुरेटिक्स हैं ये सारे हमारे पास पोटेशियम लॉस करवा देते हैं। और जब पोटेशियम लॉस हो जाता है, पोटेशियम के एक्सेसिव लॉस की वजह से बॉडी के अंदर डिसरिदमिया कॉज हो जाता है। और जब हमारे पास डिसरिदमिया कॉज होता है, कार्डिक डिसऑर्डर है, तो हमारे पास हार्ट के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास इसको अवॉइड करने के लिए या तो अगर हम किसी पेशेंट को पोटेशियम अगर या तो हम अगर इसी पेशेंट को लूप डायुरेटिक्स या हाई सीलिंग डायुरेटिक्स या फिर थायसाइड लाइक डायुरेटिक्स दे रहे हैं तो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि पोटेशियम का जो अमाउंट है इन द डाइट वो इंक्रीज किया जाए या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स दिए जाए ताकि हमारे पास लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हाइपरकैलेमिया हो जाता है विद द यूज ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स, तो उसका भी हमारे पास उसको भी मॉडरेशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपोवोलीमिया। अब हाइपोवोलीमिया क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अब वॉल्यूम अगर यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हुई हुई है तो हमारे पास यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा। अब यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ब्लड का वो डिक्रीज हो जाएगा और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पोस्टरल हाइपोटेंशन, डिजीनेस और डिहाइड्रेशन जैसे इफेक्ट्स आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कहा जाता है कि जिन जो पेशेंट्स डायुरेटिक्स ले रहे हैं उनके अंदर वाटर का इंटेक या फ्लूइड का इंटेक इंक्रीज करवाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया कॉज हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास सोडियम आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास सोडियम आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस कॉज हो जाती है, जो डायबिटीज है, डायबिटीज हमारे पास प्रेसिपिटेट हो सकती है, जिस जो हमने अभी डिस्कस करा कि हाइपरग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है जो पेशेंट्स लूप डायबिटिक्स या थायराइड लाइक डायबिटिक्स यूज करते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास CNS और GIT डिस्टर्बेंसेज कॉज होती है, नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। और हाइपरकैल्सीमिया कॉज हो सकता है, थायसाइड डायुरेटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं हमारे पास कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज करवा देता है और कैल्शियम के एक्सक्रीशन डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। और लास्टली हमारे पास एलर्जी, रीनल इंसफिशियंसी, रीनल फेलियर जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं जब हम एक्सेसिवली डायुरेटिक्स को यूज करते हैं। अब लेकिन जो ये डायुरेटिक्स हैं ये हमारे पास यूज़ किए कब जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एडिमा हो जाता है, एडिमा क्या होता है हमारे पास जब बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से स्वेलिंग्स हो जाती है, तो उसके
ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डायबिटिक्स यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जब ड्रग पॉइजनिंग हो जाती है, तो ड्रग पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास अगर कोई ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है तो वो हमारे पास मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, और ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ड्रग है उसका जो अमाउंट है वो हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम उस ड्रग को रिमूव करवा दें बॉडी में से, तो टू मेक श्योर कि हमारे पास जो पॉइजन जो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग है वो रिमूव हो जाए, हमारे पास क्या यूज किया जाता है, डायुरेटिक्स। और डायुरेटिक्स के अंदर भी स्पेसिफिकली हमारे पास जो हमने एसिडिफाइंग एजेंट्स और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे वो यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर डायुरेटिक्स यूज किए जाते हैं। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर अब हाइपरटेंशन में बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर इंक्रीज प्रेशर लगाता है, राइट। तो डायुरेटिक्स क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को डिक्रीज करवा देंगे ब्लड के बाय द इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, और हमारे पास सोडियम आयन और पोटेशियम आयन भी इंक्रीज हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास डायुरेटिक्स को हम रीनल स्टोन की फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। जो हमारे पास इंट्राक्यूलर प्रेशर होता है और जो सेरेब्रल प्रेशर होता है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, उसको ट्रीट करने के लिए हम डायुरेटिक्स यूज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसके अंदर भी हम डायुरेटिक्स यूज करते हैं। सो अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज एंटी डायुरेटिक्स। अब एंटी डायुरेटिक्स क्या होते हैं हमारे पास, एंटी डायुरेटिक्स वो ड्रग्स है, अब एंटी आ रहा है मतलब अपोजिट इफेक्ट डायुरेटिक्स के, और डायुरेटिक्स क्या करते थे, डायुरेटिक्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन या इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन रेट। तो अब जो एंटी डायुरेटिक्स है ये क्या करते हैं, हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन का रेट है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन का जब रेट हमारे पास डिक्रीज हो जाता है उसके लिए हमारे पास एंटी डायुरेटिक हार्मोन यूज होता है। उसके अलावा हमारे पास जो कार्बामेजेपिन और क्लोफाइब्रेट जैसी ड्रग्स यूज होती हैं। अब एंटी डायुरेटिक हार्मोन जो होता है ADH जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये हमारे पास क्या करता है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन हमारे पास फर्दर आगे जाके एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन का हमारे पास अमाउंट इंक्रीज कर देता है, और हमारे पास यूरिन की जो फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज कर देता है। और जब हमारे पास अगर ADH का जो रिलीज है वो हमारे पास बॉडी के अंदर ही ट्रिगर होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी ADH सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी, और ADH जब सिक्रीट होगा तब हमारे पास ADH जाके क्या करेगा, जो रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस हैं उसको हमारे पास इंक्रीज करवा देगा, और रीअब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेसेस हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एंटी डायुरेटिक इफेक्ट आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो क्लोफाइब्रेट कार्बामेजेपिन जैसी ड्रग्स हैं इनका भी मिनिमल एंटी डायुरेटिक इफेक्ट देखा गया है। ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन कॉज करती है। अब जो ADH है ये हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायुरेटिक्स एंड एंटी डायुरेटिक ड्रग्स। थैंक यू।